तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में आइए आपको दिखाता हूँ सीखेंगे क्या। ये देख सकते हैं ये डेटा बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल किया गया है फॉर्मूला लगा करके और सेम यही डेटा यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया ये। अब ये मैंने कैसे किया आइए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये शीट 2 पे आ जाते हैं और ये हिस्सा जिसे हमें रोटेट करवाना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर जाइए और ये देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट रोटेशन। तो बस टेक्स्ट को किस तरह से रोटेट कराना चाहते हैं वो देख लीजिए। लाइक अगर आपको ऐसे रोटेट कराना है जैसे मैंने कराया था बिल्कुल ऐसे करा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे दूसरा तरीका क्या है इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हैं तो ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप ऐसे रोटेट कराना चाहें लाइक ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो आप ऐसे भी करा सकते हैं या फिर अगर ऐसे कराना चाहें तो ऐसे भी करा सकते हैं नो प्रॉब्लम। और फिर एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ये 90 डिग्री ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर कितने डिग्री के हिसाब से आप रोटेट करवाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं यानी मैनुअल तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ये बहुत इजी है यहाँ पर जाइए और यहाँ से डिग्री चेंज कर लीजिए। लाइक 75 डिग्री पे करूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा और अगर कुछ चेंज करके करता हूँ तो देख ही सकते हैं यहाँ पे जा करके और ये लाइक 60 डिग्री पे कर दिया मैंने तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है और आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।